उड़ीसा और बंगाल के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी की एक नई वार्निंग सामने आई है, क्योंकि यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन दाना जो बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या है और ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलावा दुनिया में और कौन कौन से साइक्लोन होते हैं और ये जो नाम दिया गया है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को दाना, ये नाम दिया किसने है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि किस साइक्लोन को क्या नाम दिया जाएगा, ये जो सारे के सारे ज्योग्राफी के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर बंगाल में और ओडिशा में यहां पर जो साइक्लोन है उसका खतरा कंटिन्यूसली बना हुआ है दाना का। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहां पर कहा है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में यहां पर क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और नदन इंडियन ओशन में 2 महीने में या 2 महीने से कम वक्त में हमें यहां पर दूसरा साइक्लोन बनता हुआ दिखा है, क्योंकि इससे पहले यहां पर आपको आसना नाम का साइक्लोन दिखा था अगस्त में जो आपके अरेबियन सी में क्रिएट हुआ था। तो अगर हम लोग यहां पर साइक्लोन के बारे में समझने की कोशिश करें कि साइक्लोन होता क्या है, तो देखिए 21 मार्च के बाद जब भी आपका सन नदन हेमिस्फीयर में जाता है तो जो ITCZ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो भी सन के साथ नदन हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है और वो जो सनरेज है नदन हेमिस्फीयर के लैंड मास और वाटर मास दोनों को एक साथ गर्म करती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहां पर बे ऑफ बंगाल को लेते हैं, क्योंकि 21 मार्च के बाद जब भारत में गर्मी बढ़ती है तो भारत का जो लैंड एरिया गर्म होता है उसके बाद यहां पर बे ऑफ बंगाल भी गर्म होता है। जो बे ऑफ बंगाल का सरफेस है पानी की सतह है, जब उसका मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है तो वहां पर कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ चुका है यानी लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब लो प्रेशर जब बे ऑफ बंगाल यानी नदन हेमिस्फीयर में क्रिएट होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त विंटर सोल्स्टिस यानी ठंड का मौसम चल रहा होता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया के कोई भी विंड क्यों ना हो, चाहे ईस्टरली हो, वेस्टर्ली हो, या पोलर विंड्स हो, या लोकल विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स हो, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही यहां पर फ्लो करती हैं, ब्लो करती हैं। तो यहां पर आपके सदर्न हेमिस्फीयर से जो आपकी हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल यानी नदन हेमिस्फीयर की तरफ जाती हैं और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है कोरियोलिस फोर्स इसे राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ देती है और कंटिन्यूअसली जब वो एयर मास राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ता है तो वो एक साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है, लो प्रेशर सर्कुलिंग मोशन का यहां पर फॉर्म ले लेता है, जिसे हम लोग साइक्लोन के नाम से या ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और यही एग्जैक्टली चीज हमें यहां पर बे ऑफ बंगाल में आज की तारीख में देखने को मिल रही है, जिससे साइक्लोन बना है दाना, जो आपके ईस्टर्ली विंड्स के इफेक्ट में यानी ईस्ट से वेस्ट बहते हुए साइक्लोन को इंडिया के ईस्टर्न कोर्स पर लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से उड़ीसा और बंगाल में आपको यहां पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम लोग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें साइक्लोन की, तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है, ये वार्म ओशन वाटर के ऊपर फॉर्म होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसा बात की कि 21 मार्च के बाद जो सन है वो नदन हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा और जो ओशन है या सी है उसके पानी को यहां पर गर्म कर देगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर यहां पर बेसिकली क्रिएट होगा और हाई प्रेशर विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, कोरियोलिस फोर्स से मोड़ेगी राइट हैंड साइड की तरफ और एक विंड स्पाइरल बनके आपका साइक्लोन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको हैवी रेनफॉल या स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि हर साइक्लोन को आप ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहते, अगर उसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तभी वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा, अगर उससे कम है 180 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर के बीच में अगर उसकी स्पीड है तो आप उसे ट्रॉपिकल डीप या उससे भी अगर कम है तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहेंगे। और यहां पर बेसिकली क्या है कि आपके रीजन के हिसाब से भी नाम चेंज होते हैं, जैसे इंडिया, अफ्रीका या मेडागास्कर में हम लोग इसे साइक्लोन कहते हैं, लेकिन वहीं चाइना में या जापान में इसे टाइफून का नाम दिया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में हम इसे टोर्नाडो या हरिकेन कहते हैं, और जब ऑस्ट्रेलिया में यही ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसे विली विली का नाम यहां पर दिया जाता है। अब जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं लेकिन अलग अलग तरीके के भी होते हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल जोन में होता है, यानी 5 to 30 degrees नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में यहां पर आता है। इसका मतलब 5 degrees नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो 10 degrees का इक्वेटोरियल रीजन होता है, जिसे हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आता, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में 10 degrees में हमें कोरियोलिस फोर्स नहीं देखने को मिलती, और जहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है
वहां पर विंड्स को राइट या लेफ्ट साइड में नहीं मोड़ा जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं उसके अलावा अगर हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो इसे हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये टेम्परेट साइक्लोन आपके टेम्परेट रीजन में ही आता है। और मल्टी लैटिट्यूड जो साइक्लोन है ये आपको बेसिकली मल्टी लैटिट्यूड रीजन में स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से देखने को मिलता है। यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बेसिकली लो प्रेशर सर्कुलर मोशन में आता है तो इसका जो बीच का पार्ट होता है इसे हम लोग आई के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मेरी ये बॉडी है, अगर ये बेसिकली क्या है कि आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई है, और जहां पर मैंने इस तरीके से ये हाथ फैला रखे हैं अपने, ये बेसिकली रेन बैंड्स कहलाते हैं। तो साइक्लोन जब भी इस तरीके से रहेगा या फिर घूमेगा, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में वो अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज या सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, तो ये रेन बैंड जहां जहां पर जाएंगे वहां वहां पर बारिश होगी। और ये जो मिड पोर्शन है साइक्लोन का जिसे हम आई कहते हैं, वहां पर लो प्रेशर ना होकर हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से इस रीजन में बारिश नहीं होती, लेकिन आपके रेन बैंड में यहां पर आपको बारिश जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में लो प्रेशर हाई प्रेशर से ज्यादा एक दूसरा कंसेप्ट काम करता है जिसे हम लोग फ्रंट के नाम से जानते हैं। जब भी वार्म विंड या कोल्ड विंड आपस में मिलती है जिस पॉइंट पर, तो उसे फ्रंट्स कहा जाता है। अगर वार्म विंड कोल्ड विंड से ज्यादा पावरफुल है तो ये वार्म फ्रंट बनेगा, और अगर कोल्ड विंड वार्म विंड से ज्यादा पावरफुल है तो ये कोल्ड फ्रंट कहलाएगा। एंड देन कोरिओलिस फोर्स इस पे बेसिकली काम करेगी जब दोनों विंड्स मिलकर फ्रंट कहलाएगी, एंड देन फिर इस विंड्स को डिफ्लेक्ट किया जाएगा और फिर से एक सर्कुलेटरी मोशन देखने को मिलता है जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन अगेन यहां पर कहलाता है। अब यहां पर हम लोग कॉजेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि कोरिओलिस फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोरिओलिस फोर्स जब तक विंड्स को डिफ्लेक्ट नहीं करेगी वो जो वार्म एयर है या फिर आपकी जो कोल्ड एयर है या जो एयर मास है वो सर्कुलेटरी मोशन में कंटिन्यूअसली आ नहीं पाएगा। 26 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी बेसिकली आप उसको जो लो प्रेशर है या हाई टेम्परेचर कह सकते हैं, प्लस मॉइस्चर भी यहां पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पे जैसे आपका दाना बना है साइक्लोन, तो बे ऑफ बंगाल की जो ह्यूमिडिटी है वो साइक्लोन अब्सॉर्ब कर चुका है, जिसकी वजह से आपको यहां पर ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है, मॉइस्चर देखने को मिलता है, जिससे आगे चलकर जब वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर टकराएगा तो वहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बात यहां पर एक और चीज की है कि इन साइक्लोन्स को यहां पर नाम कौन देता है और कैसे डिसाइड किया गया था। दरअसल ईयर 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड द पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं, ईयर 2000 में इन्होंने बेसिकली एक यहां पर एक सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और यहां पर ये बोला गया था कि हर वो कंट्री जहां पर जी इस तरीके के साइक्लोन आते हैं वो इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को यहां पर नाम देगी। एग्जाम्पल के तौर पर ईयर 2000 में ट्रॉपिकल साइक्लोन में नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड को दी गई थी, क्योंकि यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। बाद में 18 साल के बाद 2018 में इस पैनल को बढ़ा दिया गया, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग एक साल का अगर एग्जांपल ले लें तो अप्रैल 2020 में यहां पर बोला गया कि भाई 169 साइक्लोन्स जो है वो ओरिजिनेट हो सकते हैं पूरे के पूरे सीजन में। तो यहां पर 13 कंट्रीज हैं, तो हर एक के बीच में जो 13 नाम है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कहा कि हर कंट्री 13 अलग अलग जो साइक्लोन्स हैं उनको अपने अपने हिसाब से नाम देने की यहां पर बात करेगी। अब इस बेसिकली साइक्लोन से इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो रेनफॉल है यहां पर बहुत ज्यादा होता है, विंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलती है जिससे काफी तबाही हो सकती है, कोस्टल इरोजन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लोगों को अपने घर जगहें छोड़कर कहीं और सेटल होना पड़ सकता है, और एग्रीकल्चर को यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा हवाएं और जरूरत से ज्यादा बारिश यहां पर पूरी तरीके से क्रॉप को डैमेज कर देती है। और इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लोन। पहला स्टेटमेंट है साइक्लोन्स फ्रॉम ओवर ओशन वाटर्स वेयर सी सरफेस टेम्परेचर एक्सीड्स 27 डिग्री सेल्सियस। नंबर टू, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज ड्यू टू द कोरिओलिस फोर्स। नंबर थ्री, लो वर्टिकल विंड्स शियर इज conducive to cyclone formation and intensification. Cyclones are less likely to form in polar regions due to lower sea surface temperatures and high wind shear. इसमें आपको बताना है कि इन चारों options में से कौन सा option A, B, C या D सही है। Comment section में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। We will be waiting for your answers.
और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप और ज्यादा डिटेल में चाहते हैं और इसी तरीके के टॉपिक्स को लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इस साइक्लोन से रिलेटेड अवेयरनेस आपके नजदीकी हर किसी इंसान के पास पहुंच सके और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।